हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आज मैं आपको सिखाऊंगा कंप्यूटर के अंदर किस तरह से आप अपनी फाइल या फोल्डर को हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना है, जिस भी फाइल या फोल्डर पिक्चर को हमें हाइड करना है उस पर राइट क्लिक करिए। आप मान लीजिए मैं यहाँ एक बैनर्स फोल्डर है, इसको हाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और प्रॉपर्टीज ओपन कर लीजिए इसकी। आप प्रॉपर्टीज ओपन करोगे तो कभी नोटिस आपने किया हो, यहाँ पे एक हिडन का ऑप्शन होता है, हिडन। तो इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। क्योंकि ये ऑप्शन कह रहा है कि आपको जितना भी डाटा इसके अंदर है सभी पे चेंज अप्लाई करना है। ओके कर दीजिए। तो ये हमारा जो फोल्डर है वो हिडन मार्क हो गया है। आप यहाँ चेक करोगे, ये फोल्डर बाकी फोल्डर से अलग आपको हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फोल्डर आपका हाइड हो गया है। एक और हाइड कर लेता हूँ मैं पिक्चर, ये पिक्चर है, इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके इसको भी मैंने हिडन मार्क करके इसको ओके कर दिया है। तो आप देखोगे ये हल्का सा आपको अलग कलर से, मतलब हल्का सा अलग आपको ये दिखाई देगा बाकी सबसे। तो ये आपका जो हाइड कर रखा है, अब इनको शो करना है या हाइड करना है। जिन फाइल या फोल्डर पे हमने क्लिक कर दिया है हाइड ऑप्शन पे, उनको हमें दिखाना या नहीं दिखाना, ये दर्शाने के लिए हमें जाना है कंप्यूटर के अंदर, माई कंप्यूटर के अंदर। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, माई कंप्यूटर ओपन कर लिया। उसके अंदर हम जाएंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसको छोटा कर लिया, ठीक है। इसके अंदर हमें जाना है ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे, यहाँ एक ऑर्गेनाइज ऑप्शन होता है लेफ्ट टॉप पे। ऑर्गेनाइज पे जाएंगे तो फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे हम जाएंगे। यहाँ पे हमें जाना है फिर से व्यू के अंदर। व्यू के अंदर हमें जाके यहाँ पे हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप डोंट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स पे टिक कर दीजिए। जैसे ही ओके करोगे तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल ऐसी होंगी जिन पे आपने हिडन क्लिक किया हुआ है, कहीं भी, चाहे डॉक्यूमेंट के अंदर हो, पिक्चर्स के अंदर हो, डी ड्राइव, सी ड्राइव, जो भी है, कहीं भी ऐसी फाइल हैं जहाँ पे आपने हिडन टिक कर दिया है, तो वो सारी की सारी आपकी हाइड हो जाएंगी, वो सारी शो या हाइड होंगी आपकी यहाँ से। अब यहाँ से देखो आप, वो पिक्चर भी हाइड हो गई है और वो फोल्डर भी हाइड हो गया बैनर्स नाम से। अगर हमें दिखाना है तो फिर से वहीं जाइए, फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस, व्यू, और यहाँ पे शो फाइल्स एंड फोल्डर पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, तो वो फाइल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारी ये दोनों फाइल्स, जो पिक्चर है एक फोल्डर है, ये हमने हाइड मार्क किया था। अगर आप हटाना चाहते हो तो दोबारा हमें कभी किसी फाइल को हाइड अनहाइड ना करें, तो ये फाइल हाइड अनहाइड ना हो, उसके लिए क्या करना है, आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए और हिडन से टिक हटा के इसको ओके कर दीजिए। तो ये अब आपकी नॉर्मल फाइल हो गई, ये आपकी हाइड अनहाइड नहीं होगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम कंप्यूटर के अंदर बिना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए ईजिली अपने डाटा को, फाइल्स को, पिक्चर्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, हम कंप्यूटर शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर मोबाइल फोन के लिए टेक्निकल हेल्प भी आप लोगों को दे रहे हैं। आप मोबाइल और कंप्यूटर से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में जो प्लेलिस्ट है, और लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।